हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो राइट नाउ टाइम इज 8 AM एंड आज सुबह उठने में थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि रात में ठंड -2 डिग्री सेल्सियस था, -6 डिग्री सेल्सियस। हाँ, -6 डिग्री सेल्सियस, हम तो कभी माइनस में नहीं रुके थे, तो टेम्परेचर बहुत कम था। तो सुबह उठने में 7 बज गए हैं और ये टेंट भी कल हमें ही पहले रुके थे, राइट। तो ज़्यादा फैसिलिटी वगैरह नहीं था, तो अभी सुबह सुबह हम चाय पी रहे हैं। Yes, man. तो आप देख सकते हैं हमारे साइड में धागा नदी है ये। कल मुझे नाम पता नहीं था तो मैं गूगल किया, फिर सुब्रत ने गूगल किया और मुझे कहा कि इस रिवर का नाम धागा नदी है। तो भगवान भोलेनाथ का गाना और फ्रेंड के साथ चाय, और जिंदगी में क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी टाइम 9:15 AM हुआ है, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने वाले है, तो पराठा और आलू की सब्जी खा रहे हैं। और भाई अचार के साथ गरम पराठा। सुब्रत लोलू, कैसा लग रहा है बोलो? गरम पराठा अभी खाया नहीं, खाएंगे। ओह, खाएंगे। विक्रम कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है। और विद्या अचार के साथ पराठा खा रहा है, अचार तो ले ही जा रहा है। नदी के किनारे गरम गरम चाय और पराठा, तो क्या मजा लग रहा है भाई। और सुनो, और एक बात, और लुलू भाई का शायरी। हाँ हेलो फ्रेंड्स, तो टाइम अभी 10:30 AM हुआ है और आप देख सकते हो हमारा पैकिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और विद्या तो 15 मिनट पहले ही निकल गया है जिस पैक और ब्रेक डायरेक्शन में 4 किलोमीटर, क्योंकि उसका ब्रेक शू खत्म हो गया है और आगे 200 किलोमीटर तक कुछ भी सर्विस सेंटर नहीं है रॉयल एनफील्ड का। सो अभी आज का हमारा आइटिनरी ये है कि हम जाएंगे टांगलांगला, यहाँ से अराउंड 215 किलोमीटर। सो देखते हैं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 11 बज गया है, तो 210 किलोमीटर भी ये इस टाइप ऑफ टेरेन में डिफ़िकल्ट है, लेकिन देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि पता नहीं आगे का रोड कंडीशन कैसा है। जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल रात का जो स्ट्रेस था बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं तो इस टाइप का कैंपिंग एक्सपीरियंस कभी किया नहीं था और इतना ठंड भी कभी देखा नहीं था, तो -6 डिग्री सेल्सियस भी हमने देख लिया, कल बहुत ठंडा था। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम 11:25 AM है, तो हम जा रहे हैं, विद्या का काम ख़त्म हो गया था, अभी वो कॉल किया, तो वी आर ऑलमोस्ट रेडी। ओके, थैंक यू भैया। ओके भाई, बाय। तो वो भाई लोग गोवा से आए, कल रात अपने खुद का टेंट बनाया वो लोग, तो आप ये नज़ारा देख सकते हो। कल रात का स्टे सच में अमेजिंग था, मतलब मूवी में भी देखते थे इस काइंड ऑफ सीन्स, लेकिन फाइनली चांस मिला इसे कैंपिंग में स्टे करने के लिए। अभी तो कल के बाद तो हम सोच रहे हैं कि पैसा ज़्यादा हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम कैंपिंग पे ही स्टे करें। कैंपिंग में थोड़ा ज़्यादा ठंड लगता है क्योंकि कोल्ड वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अदरवाइज यू विल गेट ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो ये रास्ता भी आप देख सकते हो बहुत नारो है भाई, डेंजर रोड है, मैं एक नंबर गियर पे ही चला रहा हूँ और बहुत बड़ा बड़ा पत्थर भी है और रिस्की भी है। वो लोग यहाँ पर तो भाई ट्रैक्टर कार वगैरह भी ले आते हैं, कैसे ले आते हैं पता नहीं। और ये जो विंटर ग्लोव्स पहने ना, इसके लिए भी प्रेशर आ जाता है, मतलब क्लच गियर ठीक से हैंडलिंग नहीं कर पाते। ओके गाइस, वी आर ऑलमोस्ट रेडी।
जब भी हम इंडियन आर्म फोर्सेस को देखते हैं ना, बहुत मोटिवेट मिलता है। देश के लिए, जो हमारे सुरक्षा के लिए वो लोग हर दिन रात मेहनत करते हैं। मतलब मैं सोच रहा था 20-30, फिर सोचा मैं 40-50, लेकिन अराउंड 70-80 आर्मी ट्रक गए। तो जब भी हम इंडियन आर्म फोर्सेस को देखते हैं ना, तो एक अलग सा एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि वो लोग दिन रात इस ठंड में हमारे देश को सुरक्षा देते हैं। सच्चू अराउंड 81 किलोमीटर है, तो लगभग 2-3 घंटा तो एनीवे लग जाएंगे, क्योंकि गाड़ी 40 से स्पीड में जा रहा है और कुछ कुछ जगह पर अवलेंस हुआ है, इसीलिए ऑन फ्रिक्वेंट बेसिस यहां पर रोड रिपेयर कंस्ट्रक्शन काम होता है, क्योंकि कभी भी पत्थर गिर सकता है और रोड ब्लॉक हो सकता है, और अगर रोड ब्लॉक हो जाए तो और कोई सेकेंड वे नहीं है। और भाई क्या नज़ारा है, यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ पर झरना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोन को आयरन वायर से बांधा गया है, सो पत्थर ना अभी कभी भी आवाज आए तो एनीवे थोड़ा प्रोटेक्शन मिले। और यहाँ पर रोड, आई गेस ये रोड पहले बना था लेकिन अभी कुछ अभी ख़राब हो गया है ड्यू टू सम रीज़न। भाई इस एरिया में, इस अल्टीट्यूड में रोड कंस्ट्रक्शन करना तो बहुत मुश्किल है। थैंक्स टू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सो दे बेसिकली दे ट्रेन पीपल सो हाउ टू वर्क इन दिस काइंड ऑफ टेरेन, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी आकर यहाँ पर ऐसे रोड कंस्ट्रक्शन काम पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। और एक दिक्कत है कि बीच बीच रास्ते में वाटर स्ट्रीम पास होता है, तो वो वाटर स्ट्रीम को भी हैंडल करना पड़ता है, तो बहुत सारा सीनरियो को देखकर ही ये लोग कंस्ट्रक्शन काम करते हैं। तो यहाँ पर और एक वाटर क्रॉसिंग, भाई ये दो लोग तो विनर है। कॉन्टिनेंटल जीटी 650 माइलेज बहुत कम दिखाता है, और इस काइंड ऑफ टेरेन में तो आपको माइलेज चाहिए ही चाहिए। और आगे क्या हुआ भाई, एक्सीडेंट वगैरह क्या हुआ, क्या पता नहीं है, या सम रोड कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है इसीलिए यहाँ पर गाड़ी सभी ने हॉल करके रखा है। पता नहीं है क्या हुआ है, क्या हुआ है भाई, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है इसीलिए लोग हॉल लेकर यहाँ पर रुके हैं। देख सकते हैं बहुत सारे लोग आते हैं, लड़का लड़की सब आते हैं, बाइक में आते हैं। एनीवे इट्स एन अमेजिंग फीलिंग टू ड्राइव इन दिस काइंड ऑफ टेरेन। सॉरी, जब भी आप गियर में रख के ही गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा, क्योंकि वरना गाड़ी रुक जाएगा। अभी टाइम 12:05 PM हो गया है, तो अभी वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है इसीलिए सब गाड़ी यहाँ पर रुका है, और वहाँ पर लोग गाना भी सुन रहे हैं, और लुलू है वहाँ पर, अब सारों का गाड़ी भी यहाँ पर पार्क है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक्चुअली वहाँ पर, यहाँ पर तो वाटर हर जगह नहीं मिल सकता है ना,
तो वहाँ पर पानी पास कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर गाड़ी सब स्टॉप है। और मेरे पीछे आप तो देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा मिल रहा है। और इस माउंटेन रेंज के टॉप पर आप ऊपर भी देख सकते हो, पूरा वाइट दिख रहा है। सो या इट्स ऑलवेज बीन ए ड्रीम टू राइड लद्दाख एंड वी आर एंजॉइंग द राइड। पार्सियो, और इसका अल्टीट्यूड 12,300 फीट में है भाई, इस हाइट में 12,000। और हमारा टारगेट ये है तो उमलिंगला पास जाए, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास, उसका हाइट है अल्टीट्यूड 19,300 फीट। मतलब आप समझ सकते हैं इससे और 55% ऊपर जाना पड़ेगा। जब आप इस जितना आल्टीट्यूड जब ऊपर जाओगे ना, तो ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, तो जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो सांस लेने के लिए तो इस रोड पे वन व्हीकल एट ए टाइम भाई जबरदस्त ऑफ रोड है। यहाँ पर और एक वाटर क्रॉसिंग है, मतलब एक रिवर स्ट्रीम है, वाटर क्रॉसिंग नहीं भाई। ये कैसा रोड है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, मैं हेलमेट का फाइजर ओपन करूँ तो मुझे कुछ मतलब मेरा स्किन तो ड्राई हो गया है बहुत। ये वैसलिन भी काम ठीक से नहीं कर रहा है, लगाया था मैं कल रात वैसलिन वगैरह सनस्क्रीन लोशन भी, क्योंकि एरोटा राइट था भाई वो लोग गलत, वहाँ पर ले का मार्किंग लिखा है, ये लुल्लू भी ना कुछ देखता नहीं है। सीधा रोड है लेने के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पर, वहाँ पर लिखा है ले वे टू ले। क्योंकि जब इतना छोटे रास्ता पे जब आप यू टर्न मारते हो ना तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा वहाँ पर इसीलिए एक ब्रिज बन रहा है, तो वो ब्रिज बन जाए जब कम्प्लीट हो जाएगा तो यहाँ से फिर से अच्छा रास्ता शुरू हो गया भाई, मज़ा लग रहा है। क्या भाई तुम भी ना उस रास्ते पे चल जा रहे थे, ओके योर सेफ्टी इज आवर कंसर्न, ड्राइव स्लो। हाँ डेफिनेटली मैं भी सभी को ये कहना चाहूँगा कि जब भी मतलब ड्राइव हमेशा अपने कंट्रोल में करो, स्पीड लिमिट समझो, इतना स्पीड पे आप मत चलाओ कि अगर आप ब्रेक मारो तो वो गाड़ी ना रुके। तो ऑलवेज हाँ 5-10 मिनट लेट हो जाएगा डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए, लेकिन एनीवे आप तो जिंदा रहोगे ना। तो ऑलवेज मेरा भी एक पॉलिसी है, मैं अभी तक अराउंड 2,300 किलोमीटर सर 2,500 प्लस किलोमीटर अभी तक क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन हार्डली 50 या 100 किलोमीटर ही मैं 100 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाया हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिर्फ 80-95 इस रेंज में, क्योंकि वैसे भी मेरा गाड़ी में पेनियर लगा है, और पेनियर जब आप लगाते हो ना तो गाड़ी का स्पीड लिमिट उस पर सेट है कि 112 किलोमीटर, अगर 112 किलोमीटर से ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली जब विंड ब्लास्ट होगा ना पेनियर से तो पेनियर खिलेगा और आपका गाड़ी भी अनस्ट्रगल होगा। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ माय टाइम एक्चुअली मेरा रॉयल एनफील्ड हिमालयन का ब्रेकिंग जितना है ना, मैं हमेशा 80 से 100 में ही क्रूज करता हूँ जनरली। और विक्रम का कॉन्टिनेंटल जी मुझसे बहुत स्पीड जा सकता है, उसका टॉप स्पीड तो 170-180 है, लेकिन हमेशा हम एक यूनियन में जाते हैं, मतलब अगर मैं 5-6 किलोमीटर हूँ, वैसे भी हम इंटरकॉम भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर आप इंटरकॉम भी यूज़ करेंगे तो उसका रेंज बेसिकली 1,000 मीटर होता है, मतलब 1 किलोमीटर वो मैक्सिमम होता है। अगर आप 300-400 मीटर आगे जाओगे तो वो काम ठीक से नहीं करेगा, मतलब ये पूरा ज़मीन तो बंजर ही दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। मतलब अभी से लेह तो बहुत दूर है, अराउंड 300 प्लस किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से ही लेह का फीलिंग आ रहा है।
तो देखते हैं भाई क्या होगा। स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। ये जो कोटेशन है ना, ये सच में ठीक है, क्योंकि जब आप स्टार्ट अर्ली करते हो ना तो मतलब ट्रैफिक बहुत कम हो रहता है। जब आप 4-5 बजे शुरू कर दोगे जर्नी तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा और एक एनर्जेटिक फील भी आप करोगे। तो भाई यहाँ पर स्नो है आई गेस। भाई आप यहाँ पर स्नो देख सकते हो, अभी स्नो आ गया। हाँ क्या हुआ? अरे भाई रुक नहीं सकते, वो लोग है ना आगे, इसीलिए आगे बहुत आ गए यार। ठीक है भाई, वो लोग भी ना किसी को वेट नहीं करते, मतलब कभी भी मिरर यूज नहीं करते भाई। हम अगर कोई प्रॉब्लम इशू होगा तो भाई वो 5-6 किलोमीटर आगे चले जाएंगे, तो क्या फ़ायदा हम 4 लोग मिलके जाने का। तो एनीवे आप लोगों को धूप दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि टेम्परेचर 12-13 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि बहुत ठंड लग रहा है। और भाई वो लोग तो वहाँ पर रुके हैं फ़ोटो खींचने के लिए। भाई क्या गए यार, चलो फोटो, मतलब ये एक ऐसा जगह है कि आप जिधर चाहो जितना चाहो उतना फ़ोटो खींच सकते हो। सो डेफिनेटली अच्छा लगेगा ये, जिसको फ़ोटो खींचना अच्छा नहीं लगता है। एनीवे भाई मेरा तो स्किन ब्लास्ट हो जाएगा, इतना ड्राई हो गया है अभी। BRO इज वर्किंग टूडे फॉर योर बेटर टुमारो। भाई क्यों हाथ ऊपर करके रखे हो यार? और भाई आप स्नो देख सकते हो यहाँ पर, और विक्रम प्राजी तो पूरा मूड है। तो ये बेसिकली ड्राई आइस है, मतलब ड्राई हो गया है। तो बीच बीच में ऐसा स्नो हुआ है। मेरा गाड़ी 2 नंबर गियर पे है, एक तरफ भाई पहला वाटर क्रॉसिंग, ओ गॉड मजा आ गया दोस्त। भाई ये पानी कहाँ से आ रहा है? फाइनली और एक विश फुलफिल हो गया। हमारा टारगेट ये था कि हम वाटर क्रॉसिंग पार करें। भाई हिमालयन है ये, ऑफ रोड किंग, चीर फाड़ के चले जाएंगे हम लोग, चीर फाड़ के। भाई मजा आ गया भाई, भाई कैसा लगा फर्स्ट वाटर रिवर क्रॉसिंग क्रॉस करके? जना कैसा लगा? बहुत फीलिंग था, और एक ड्रीम विश फुलफिल हो गया। तो दैट फेल्ट वेरी बढ़िया लगा, गुड गाड़ी ने गाड़ी चलाई, आई एम हैप्पी दैट आई एम डन दैट। और विक्रम ये ऐसा फीलिंग कभी नहीं क्रिएट हो सकता है। और भाई कॉन्टिनेंटल में ये चीज करना और एक देखो भाई, ऑफ रोडिंग के साथ साथ रिवर क्रॉसिंग, वो दोनों का मतलब मिला के अलग ही मजा है। या जय जगन्नाथ।
यहाँ से आप देख सकते हो टांगलांगला 196 किलोमीटर है और उपसी 255 किलोमीटर। तो आज हमारा टारगेट ये है कि तो टांगलांगला जाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है अगर रोड कंडीशन एवरेज रहा तो भी हम क्रॉस कर लेंगे, वरना थोड़ा इशू है। ओके, ये जिंगजिंग बार है बारलासला लियोपार्ड। ओके ओके, ये काइंड ऑफ बीआरओ का ही पार्क है। वेलकम टू जिंगजिंगला, ये प्लेस का नाम जिंगजिंगला है। ओके गॉड, फरारी यहाँ से 136 किलोमीटर, चंडीगढ़ 423, अपर स्लोप डोंट ओवरटेक। वाह, एक जन्नत दिख रहा है अभी, सच में जन्नत दिख रहा है। आप लोग मेरे सामने देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। ओ गॉड, सो ब्यूटीफुल। जिंदगी में और क्या चाहिए, अच्छे दोस्त और ऐसा रोड ट्रिप। तो कैसा लगा स्लो? भाई अभी मुझे लग रहा है कि हम बहुत स्पीड से आर्टिफिशियल गेन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंटेंस हो गया। सॉरी, वो एक भैया भी बोल रहे थे जिंगजिंगला के बाद आप एल्टीट्यूड गेन करोगे बहुत जल्द ही, और इसीलिए आप टाइमअप्स का कैप्सूल मतलब मेडिसिन रखें, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, कम हो जाएगा, नहीं क्यों हो सकता है, कम हो जाएगा डेफिनेटली, और सर दर्द भी होने लगेगा। तो लेकिन वो और एक सजेशन दिए कि हमें आप विदाउट एनी रिक्वायर। हाय ब्रो, रखा रखा रहते रखा लेफ्ट रख रहे। तो भाई हम बारलासला पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये बारलासला कैफे है। जिंगजिंगला से बारलासला अराउंड 8 से 9 किलोमीटर है। तो जिंगजिंगला का हाइट अराउंड अल्टीट्यूड 12,000 था और बारलासला का अराउंड 14,000 है। सो 7-8 किलोमीटर में हम अराउंड 2,000 फीट का अल्टीट्यूड गेन किए हैं। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो स्नोफॉल भी हो, बीच बीच में स्नो भी है। तो अभी ठंड थोड़ा बढ़ने लगा है और मैं गूगल में टेम्परेचर देख रहा था, 8 डिग्री सेल्सियस है अभी, आपको पता नहीं चलेगा ठीक से। तो अभी हम बारलासला कैफे में नज़दीक है। सो 4 टी ऑर्डर किए हैं, तो चाय ब्रेक है ये एक। चाय करने के बाद हम सरचू जाएंगे, सरचू यहाँ से अराउंड 48 किलोमीटर है। सो कोशिश करेंगे, सॉरी सरचू कितना है मुझे ठीक से पता नहीं है, कितना दूर है भाई सरचू यहाँ से? अभी 37 किलोमीटर है यहाँ से सरचू। तो सरचू में और एक हॉल्ट लेंगे, बहुत ठंड लग रहा है इसीलिए थोड़ा चाय के बाद सरचू के स्टॉप, और देखेंगे आज टांगलांगला पहुँच सकते हैं या नहीं। विक्रम जना आ जाओ बहन। तो विक्रम कैसा लग रहा है ठंड? आप तो पूरा ये रॉयल एनफील्ड का इनरवेयर भी पहन चुके हैं। यहाँ आके सुनने को आया कि कल से वेदर थोड़ा खराब चल रहा है, इसीलिए हवा ज्यादा हो रहा है। तो अभी तो सब का लग रहा है हो गया है, कल वहां से भी वेदर खराब था और जैसे आप बोले वेदर से थोड़ा बिगड़ा हुआ है। हाँ, मतलब आपको यहाँ पता नहीं चलेगा लेकिन बहुत जोर से सारे हाँ मैं दिखा दिया मैंने, मतलब वाह ऊपर देख सकते हैं। हाँ, मतलब 14,000 फीट इज नॉट ए स्मॉल थिंग मैन, नाउ इट इज 14,000। या राइट, कॉमेडी सीन सुनो, क्या बोला विक्रम वो लुलु? अरे वो लुलु भाई, अभी लुलु भाई का दिमाग सटक गया है, बोल रहा है कि अभी चढ़ेगा वो पहाड़ पीक के लिए, वो ऊपर जाके उधर वो वहां से बर्फ लाएगा, चट्टा ले रहा है कि आएगा। हाँ, बोला तो देखते हैं कि कैसा ये करता है।
अगर जाते हैं वो अगर एक्सप्लीस कर पाते हैं तो हम बताएंगे आपको। अभी लुलू भाई पूरा सेटअप हो गया है जाने के लिए, बोल रहे हैं अभी यहाँ से गाड़ी नहीं चलाऊंगा, ट्रैकिंग करने के लिए जाऊंगा। अरे भाई सामान क्यों समेट रहे हो, बोलो ना, ट्रैकिंग के लिए जाओगे? मतलब ये सारे पहन के जाऊंगा ऊपर, ये सारा। अब तुम्हारे पास तो ट्रैकिंग के कुछ भी विशाल जाएगा, लेकिन समझ नहीं रहा है लल्लू भाई हमारा, वो नादान है ना। बोलो कैसे ट्रैकिंग करोगे? अभी निकल रहे हैं, अभी एक बाड़ी निकालो, बाड़ी, ये गाड़ी से ट्रैकिंग करेगा। हम बालाचला कैफे में कॉफी ऑर्डर किए थे तो कॉफी आ गया, और यहाँ पर भाई बैठ के है ना, कैसा कैसा लग रहा है कॉफी? वो लोग पिए नहीं है, लेकिन कॉफी बहुत टेस्टी लग रहा है। और जना कैसे लग रहा है आपको कॉफी? बहुत टेस्टी है और थोड़ा कड़वा भी है, अच्छा लग रहा है। मतलब आप अगर इतना 14,000 फीट में और स्पेशली इस मोमेंट में अगर हम पीते ना तो ये अमृत की तरह है। ठंड में गरम गरम कॉफी मिल जाएगा तो जन्नत मिल जाएगा, और लुलू भाई का साथ, और बीच बीच में लुलू भाई का शायरी। भाई वो साइन क्या बोल रहे थे, बोलो ना। अरे भाई बोल दो, बोल रहा जैसे क्या होता है। अरे वो बात छोड़ो लुलू भाई, ऊपर मत चढ़ो अभी। अरे भाई लुलू भाई क्या, भाई मैगी आ गया है, कॉफी के बाद मैगी खा रहे हैं। कैसा लग रहा है मैगी? कॉफी तो ले लिया, और एक कॉफी ऑर्डर किए हैं भाई, वो लोग कॉफी था, वो लोग को कॉफी इतना अच्छा लगा और एक बार ऑर्डर किए। लेकिन मैं तो कॉफी वगैरह ज्यादा नहीं पीता हूँ, इसीलिए मैं ब्रांड मैगी खाऊंगा। अभी मैगी भी बढ़िया बना है, मुझे नहीं लग रहा है कि हम पहुंच पाएंगे, पांग पहुंच पाओगे, देखते हैं। मतलब क्योंकि पेड़ तो अभी बच ही रहा है, बेस्ट तो वही आप लोगों के लिए, पांग में रिलैक्स करो आराम से, फिर कल बॉडी रिचार्ज करके अपनी पैंगोंग पहुंचो। हानले भी जाना है क्या? हाँ हानले जाना है। आप उमलिंग लेके क्या क्या उमलिंग लापास नहीं, हम भैया उमलिंग गए थे क्या? अगर आपकी गाड़ी पे यहाँ से पेट्रोल वहाँ तक खत्म हो जाए तो दोबारा से रिफिल कर लेना। उपसी के बाद पेंगोंग तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, पेंगोंग में आपको 150 रुपए वो पेप्सी वाला बोतल पेट्रोल मिलेगा। सब खत्म है, बोल रहे थे कि उमलिंगला, फिर उमलिंगला बोल रहा हूँ, आगे का रास्ता बहुत ख़राब है। और आज पांग में रुकने के लिए गए थे, क्यों कहे हैं सजेशन दिए, क्योंकि टांगलांगला जाने के लिए हमें NH3 पकड़ना पड़ेगा, और वो एक 60 किलोमीटर स्ट्रेच है, और वो स्ट्रेच के लिए हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए अभी का प्लान तो ये है कि पांग में ही रुक जाएंगे, देखते हैं आगे क्या होगा। वहाँ पर पीछे लुलू रुक गया है भाई, सच में अभी मैं जितना आसान समझ रहा था ये ट्रिप, अभी वो अगर जन्नत देखना है तो यहाँ देखो। मुझे पता नहीं था, मतलब हम काफ़ी स्नो के नज़दीक आ गए हैं, तो अभी सभी रोड के साइड पे स्नो आपको दिखेगा, दिख जाएगा इजीली। ओह गॉड, बहुत ठंड लग रहा है, और हैट्स ऑफ टू दिस गाइस, इतने ठंड पर भी काम कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। बादलाचला 9 किलोमीटर है एक्चुअली, हम जो लास्ट टाइम रुके थे वो बादलाचला से समथिंग 20 किलोमीटर दूर था, आप देख सकते हैं। मतलब क्या होता है ना, मैं पूछा एक भैया से, बीच बीच जगह में स्नो आता है और फिर क्यों स्नो दिखाई नहीं देता है, तो वो बोले कि एक्चुअली ये जो अभी तक वो ये स्नो मेल्ट नहीं हुआ है, तो बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारे स्नो मेल्ट हो जाता है, और BRO भी
स्नो को साफ कर लेते हैं मार्च अप्रैल के महीने में, जब विंटर ख़त्म होता है ना तब वो स्नो को साफ कर लेते हैं, तो कहीं 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 जम जाता है फिर भी, तो वो अभी तक जमा हुआ है और ज़्यादातर तो यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी रहते हैं, तो ये अभी तक है। आप लोग ये स्नो देख सकते हैं और उसका तो भाई मस्ती चल रहा है, लेकिन गाड़ी चलाते हुए स्नो के साथ खेलना ठीक नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने सेटल बैग में 10 लीटर का पेट्रोल भी ले रहा है। मतलब क्या नज़ारा है भाई, एक्चुअली मुझे पता नहीं है लेंस में कुछ धूल मिट्टी है क्या, आपको कैसे दिखाई देगा, मैं बाद में ही जब वीडियो एक्सपोर्ट करूँगा एडिट करूँगा तो पता चलेगा, लेकिन वो एवरीथिंग गुड है भाई। क्या स्नो है और ट्रैफिक भी, हम जब दूर से देखते हैं ना जब माउंटेन तो बीच बीच जगह में जो स्नो होता है बस यही है और कुछ नहीं, जहाँ पर भी स्नो होता है वहाँ पर सफ़ेद कलर का भाई, ये 5-5 फीट का 10-10 फीट का स्नो है, मतलब पूरा का आइस स्टोन है ये ऐसा आप तोड़ भी नहीं पाओगे इसे आसानी से, मतलब पत्थर की जैसा बन गया होगा ये क्या है ये। अभी हम ऑलमोस्ट 15,000 फीट के ऊपर है और ऑल्टीट्यूड गेन ही कर रहे हैं। कल सुबह का वीडियो में आप देखे होंगे, एक भैया ने कहा था कि अगर आप मनाली रूट से लद्दाख जा रहे हो तो बी केयरफुल, क्योंकि बहुत जल्दी आप ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे हो, तो हमारा एक्लिमेटेशन होने का टाइम बहुत कम होता है, तो और हम डिक्सन टेबलेट ही नहीं ले सकते, एक्चुअली वो बोले हमारे पास है एक है लेकिन उन लोगों के पास नहीं है, तो लेकिन वो बोले इमरजेंसी में ही टैबलेट खाना बनना, एक्चुअली वो क्या करता है ना ब्लड को थिन कर लेता है, अगर ब्लड एक बार थिन हो जाएगा ना तो अगर कट जाएगा तो एनी जगह तो आपका खून बहने लगेगा, वो क्लॉटिंग नहीं होगा, इसीलिए वो बोले कि ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम हो जाए तो भी इमरजेंसी सिचुएशन में ही खाना, क्योंकि लद्दाख अभी तो ये 14-15 हज़ार के बीच में है, लद्दाख 16,000 में है, अगर भगवान ने चाहा और उमलिंगला पास पहुंच जाए वो तो 19,300 फीट में है, जो कि जो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में इससे भी ज़्यादा ऊंचा है। यहाँ पर खुदी आज बहुत स्नो है मज़ा आ गया, इतना स्नो तो एक्चुअली हम रोहतांग पास मिस कर दिए क्योंकि हम अटल टनल के ओर ही आई है ना, तो सीन ये है कि रोहतांग पास में 10-10, 12-12 फीट तक स्नो होता है और बीआरओ को बहुत मेहनत करना पड़ता है कि वो रोड क्लीन करे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में मेरे भाई, मतलब पूरा पहाड़ ही स्नो में है और ये भाई भाई ये क्या है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन मैन, ये कौन सा तालाब है मुझे पता नहीं है ठीक से, लेकिन आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये पेंगोंग फैक्टर, नहीं ये पेंगोंग बहुत आगे है, एक नंबर किया डाल दिया अरे भाई, अरे भाई ये लोग
आंवला सो रहा है, ये अरे भाई मत आओ ना, वो लोग आ गए, अभी तो पत्थर गिर नहीं रहा है। ये रोड सच में रिस्की है, कभी पत्थर गिर जाएगा। भाई ये सब डेंजरस रोड है भाई, कब क्या हो जाएगा, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कभी पत्थर गिर जाएगा और आपकी, मतलब ये सच में बहुत रिस्की है। और आप देख सकते हो मैं तो रिकॉर्डिंग बंद ही नहीं किया हूँ, एक दो नंबर गियर में चला रहा हूँ गाड़ी, बहुत सारा ट्रैफिक जाम है, कैसे जा सकते हैं, मतलब इतना नारो रोड में अगर दो गाड़ी जाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और बीच में से पत्थर गिरता रहेगा, अभरन सोता रहेगा, तो भाई कैसे जाएगा भाई, ये लाइफ रिस्क है। और पत्थर का वेट तो आप जानते हैं, अगर एक छोटा सा पत्थर भी गिर जाएगा ना तो भाई ज़िंदगी का लाइफ का खतरा रहता है भाई। एक छोटा सा तालाब है, पता नहीं नाम क्या है, लेकिन क्या नज़ारा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब आपको सच में जन्नत दिख जाएगा। और भाई हम गाड़ी, नहीं नहीं भाई चलो चलो यहाँ पर मत रुको भाई, वैसे बहुत लॉक अच्छा था क्योंकि उस साइड के लोग बहुत देर तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि नहीं नहीं भाई चलो चलो क्योंकि नहीं रुक सकते, अभी 2 बज गया है और वहाँ पर तो हम खा लिए थे मैगी और कॉफ़ी पी लिए थे, लेकिन यहाँ पर रुकना भी कोई सेफ की बात नहीं है, क्योंकि भाई कब क्या हो सकता है, मतलब भाई ये जगह ही ऐसी है, चारों ओर सिर्फ स्नो ही स्नो दिख रहा है अभी, मतलब पहले मैं सोच रहा था कि क्यों स्नो नहीं इतना दिख रहा है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट इससे मकाम में पहुंच गए हैं कि चारों मोस्ट ऑफ द एरिया आपको स्नो ही दिखेगा, और 5-5, 10-10 फुट तक यहाँ पर स्नो जमा है। अभी टाइम 2:10 PM हुआ है, प्लेस का नाम तो पता नहीं है, हम बालासला के ओर जा रहे थे और अभी एक होल हॉट है और ये बर्फ है, हम राइडिंग सूट पहने हैं तो बर्फ में पैर फिसल रहा है, लेकिन एनीवे कैसा लग रहा है भाई, बर्फ के पास बर्फ है भाई, जब हम नीचे थे ना तो इतना बर्फ नहीं था, लेकिन जैसे हम 14,000 फीट से ऊपर आ गए ना स्नो ही है भाई। मैं ग्लोव्स निकाल के मोबाइल पकड़ा हूँ, गोप्रो तो नीचे ही रख दिया हूँ, तो भाई हाथ कोलैप्स हो जाएगा और 5-10 मिनट ऐसे रुकेगा तो। जना कैसा लग रहा है, और मैं बताने का ये कुछ, यू डोंट हैव एनी वॉच राइट, आई डोंट हैव एनी वॉच, जगह का नाम है बारालासला टॉप। ओ ये भाई तो इन्फॉर्मेशन है देता है सभी भी, तो ये बारालासला टॉप है, तो यहाँ से आप चारों ओर देखोगे तो, अरे भाई ये राइडिंग सू नहीं है इसीलिए ज्यादा खेलो मत, ये बर्फ का अलग सूर है, मेरा नीचे का देख भाई, मेरा तो पैर फिसल रहा है, कार में बहुत लोग यहाँ पर आते हैं भाई, सच में मेरा हाथ पूरा कोलैप्स हो जाएगा।
और सीन ऐसा है कि मेरा शू का स्टिकर भी थोड़ा निकल गया है, तो मैं ज़्यादा दूर चल भी नहीं पाऊँगा। लोग विंटर कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हैं, इसीलिए वो एनी हाउ रजिस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन हम तो राइडिंग गियर पहने। एनी वे बॉडी ठंड नहीं ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन पैर फिसल रहा है क्योंकि अगर एक बार आइस घुस गए ना अंदर, तो भाई हमारा जर्नी तो भाई पूरा अभी तो हार्ड हो जाएगा। आइस तो भाई मैं कैसे सेल्फी वीडियो ले रहा हूँ, वो मेरा हाथ कांप रहा है जोर से। तो और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी कम है, ब्रीथिंग इशू आ गया है भाई को, तो ब्रीथिंग इशू आ गया है। और जेना का भी आप भी उसके फेस देख रहे हैं, लाल बंद पड़ गया है। तो भाई चलो भाई हम चले जाते हैं, क्योंकि भाई हमें और हमें लेह लद्दाख भी जल्दी पहुँचना है।